माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी के निवास पर आज हमारे लोकसभा और दुबड़ विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को आज बुलाया था और आने वाला चुनाव जल्दी होना है तो उसके लिए रणनीति बनी है और रणनीति के साथ हम लोग अब कमलनाथ जी अध्यक्ष जी काम वो सर्वे करा रहे हैं और सर्वे में जो स्थिति स्पष्ट होगी उसी हिसाब से हमने अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार दिलवा दिया है कि मतलब जो कमलनाथ जी फैसला करो वो फाइनल और बाकी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के जो भी नुमाइंदा होगा उसको जिताना है और भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है। ये आज हमारा निर्णय हुआ। लेकिन सर आप एकजुट की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक बार फिर गुटबाजी सामने आई। अरुण यादव जी, सचिन यादव जी बैठक में मौजूद नहीं थे कंट्रोल। कोई गुटबाजी नहीं होता, कोई पारिवारिक काम के लिए वो नहीं आए। आज मतलब सबको मतलब कोई ये किसी की तरह सब कार्यकर्ता को बुलाया और कोई पारिवारिक कारण से वो नहीं आ पाए। वो सब एक है, जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाईकमान नुमाइंदा तय करेगी उसके साथ छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता नेता तक एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित जिस तरह से दमोह में एकजुट होकर चुनाव लड़े, दमोह जीते, पूरी सरकार लगी थी, अब यहाँ भी सरकार लगेगी, यहाँ पर भी जोबट और खंडवा निश्चित हम जीत के एक दिल्ली जाएगा सांसद, एक विधानसभा में एमएलए आएगा। जोबट से विक्रांत भूरिया का टिकट फाइनल समझा जाए क्या? जोबट से विक्रांत भूरिया का टिकट फाइनल समझा जाए क्या? नहीं, विक्रांत तो अपना नाम ही नहीं है ना, वो तो उन्होंने वहाँ से लड़े नहीं रहा, वो अलग अलियापुर की नया है जोबट। सर्वे में नाम आता है, सर्वे में नाम आता है तो नहीं नहीं विक्रांत नहीं लड़ेगा और वहाँ के जो मैंने लोग हैं जिन जिन के नाम पर्यवेक्षक ने किया है उनमें से जो नाम आ रहे हैं उनमें से करेंगे। विक्रांत तो अपना अलग है, वो खुद ही प्रदेश अध्यक्ष है, वो चुनाव ने अभी नहीं लड़े, हम जनरल चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय। मुकुल वासनिक जी ने क्या मुकुल वासनिक जी ने क्या कहा क्या निर्देश? मुकुल वासनिक सबकी बात सुनी है, सबका सुझाव दिया है और उसके ऊपर थोड़ा आईडिया सर्वे करने के बाद और सब सारा फाइनल होगा। सुरेंद्र सिंह सेहरा भी दावेदारी कर रहा है। सुरेंद्र सिंह सेहरा की पत्नी जयश्री दावेदारी कर रही है। कार्यकर्ताओं में ये है कि जब तक हम दावेदारी कर सकते हैं, जब एक का नाम फाइनल हो जाए फिर कोई अलग नहीं, सब मिल के लड़ेंगे। दावेदारी हर कोई कर सकता है। थैंक यू।